तरबूज से स्वादिष्ट है। खगड़िया और हम समस्तीपुर से छे तहां सब जितने दर्शक देखबे जा बिहार के सब के वो सपोर्ट करियो इनका। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, सुबह के 11:46 हो रहे हैं और आज हम 5 बजे ही जग गए थे, लेकिन मतलब जग रहे थे नींद आ रही थी। फाइनली 6:30 के बाद वीडियो एडिटिंग करना स्टार्ट किए, करीब 1.5 घंटे लगे एडिटिंग करने में और आज तीन थंबनेल बनाने के चक्कर में लेट हो गया और अभी 11:46 हो रहे हैं और मूड होना सब फ्रेश होना समझ रहे होना सब कुछ किया और अभी 11:46 हो रहे हैं और अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। हालांकि चेकआउट करने का टाइमिंग शायद 11 बजे है, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं बोले हुआ। 11:46 हो चुका है और आपको एक बार रूम फिर से दिखाना चाहते हैं। रात में हमें यही रूम मिला था दोस्तों, ये डुअल बेड था हमारा और टीवी था, एसी था और ये बाथरूम शॉवर सब कुछ था दोस्तों। ये था हमारा रूम, अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है, निकलते हैं फिर मिलते हैं नीचे, क्योंकि वीडियो अपलोड करना है। इसी होटल के नीचे वाईफाई है, वहाँ जाकर वीडियो अपलोड करेंगे हम लोग। तो दोस्तों फाइनली होटल स्पार्किंग के रिसेप्शन पे आ गए हैं और भाई से बात करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो ये भाई साहब यहाँ के मैनेजर भाई साहब, सब बढ़िया भाई साहब? जय हिंद, फिर मिलेंगे भाई। ओके भाई बाय। तो दोस्तों अभी जस्ट होटल स्पार्क इन से निकले थे और भोजन की तलाश में थे और एक भाई मिले जिनसे कि इंदिरा भाई ने बात किया है, इनके चैनल पर दिख जाएगा आपको, उन्होंने हमें भोजन करवाया है और हमारा भोजन अभी यहाँ आ चुका है, दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों ये रोटी है और दही है, प्याज है, सब्जी है और सिंपल सी दाल है। ये बढ़िया भोजन है, शुद्ध भोजन है, खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। भाइयों आज का हमारा ये पहला लिफ्ट था, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। हमारा ऑटो में आज लिफ्ट था पहला और टाइम हो रहे हैं करीब, दिखा रहा हूँ मैं, टाइम हो रहे 2:53, यानी कि 3 बजने वाले हैं भाई। खाना भी हमारा हो गया है, रोड पर आ गए हैं, अभी हम लोग एक लेक ढूंढ रहे हैं, लेक। तो जहाँ भी हमें लेक मिलेगा वहाँ आज परफॉर्म करेंगे, आज हमारा परफॉर्म करने का टारगेट है। हालांकि चारों तरफ ट्रैफिक आप देख सकते हैं। दोस्तों चंडीगढ़ में ये बस स्टैंड है, यहाँ पर हम करीब आधा घंटा पहले एक वीडियो अपलोड किए थे, इंदिरा भाई यहाँ पर बैठ के किसी से बात कर रहे थे और हम वीडियो अपलोड कर रहे थे। तो हमारा यहीं पे ट्राईपोर्ट छूट गया, जिस ट्राईपोर्ट से वीडियो बना रहे हैं ना, इस ट्राईपोर्ट हमारा यहीं पे छूट गया था। ये भाई लोग हैं, भैया आपका शुभ नाम? जगदीश प्रसाद। आपका भैया करण? और आपका भैया? और ये लोग भैया थे और इन्होंने हमारा ट्राईपोर्ट रख लिया और फिर वापस दे दिया। थैंक यू सो मच भैया, आप लोगों में इंसानियत है। इंसानियत इसको कहते हैं भाई, अगर किसी को मतलब किसी का चीज़ गुम हो गया तो उसको वापस कर दिया। थैंक यू सो मच भाई जी। वो रेडी वाले आगे पीछे खड़ा है, ये भैया है, ये रेडी वाले हैं भैया। क्या लगाते हैं आप? छोले भटूरे। हाँ छोले भटूरे, इन्होंने भैया, ये भैया लोग इनको दे, ये भैया रख लिए। थैंक यू सो मच भैया, क्योंकि आप जैसे इंसान किस देश को जरूरत है, हमारा काम ही है इंसान देखना और दिखाना। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? हरी। ओके भैया जय हिंद बाय। तो दोस्तों ट्राईपोर्ट हमें मिल चुका है, हमारी जो टेंशन थी वो खत्म हो चुकी है। हालांकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इधर, देख सकते हैं आप लोग। और हमें जाना है सुखना लेक, क्योंकि वहाँ पर हमें गोल्ड मैन परफॉर्म करना है और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, साढ़े तीन। ये भाई का देखो बैग वो हो गया, अब ये परफॉर्म करने वाला है, इसमें गोल्ड मैन का कॉस्ट्यूम है। आई एम रेडी। बिल्कुल भाई यहाँ की एक बात अच्छी लगती है, यहाँ सब लोग भाई सिग्नल रूल्स को, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। सब जगह मैंने देखा, सब जगह लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं और यहाँ भी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। इससे ना क्या बोलते हैं, दुर्घटना को रोक सकते हैं हम लोग। ये देखो ये गाड़ी अकेले रुकी हुई है, अभी देखो ये गाड़ी और रुक गई है, तो काफ़ी अच्छा लगता है भाई ये सब देख कर, है ना। ट्रैफिक रूल्स को आपको भी फॉलो करने चाहिए, अगर आप बिहार से हो, यूपी से हो, तो और भी आपको करने चाहिए, क्योंकि वहाँ लोग बहुत कम करते हैं। ये क्या है सरदार जी? सरदार जी ये क्या है? खरबूजा भाई, यहाँ का कुछ अलग खरबूजा। ये देखो भाई, हमारे यूपी बिहार में ऐसा खरबूजा नहीं होता है। सरदार जी ये कौन सा खरबूजा है? ये मधु भाई, मधु खरबूजा। भाई आप लोग बताना, आप लोगों को कितने को पता था कि ये मधु खरबूजा है? हालांकि बिहार में रेड टाइप का रेड होता है, रेड कलर का खरबूजा होता है। ये मैंने पहली बार देखा, हाँ इससे पहले मैं देख चुका, लेकिन मैंने पूछा पहली बार और मालूम भी चला मधु खरबूजा है ना, ये मधु खरबूजा है। तो भाई ये उस टाइम आपको बोल दिए कि हम रेड होता है खरबूजा, लेकिन हाँ खरबूजा हमारे बिहार में होता है, उसको बोलते हैं तरबूज। आई एम रियली सॉरी।
और हमें यहाँ एक भाई साहब मिले हैं, पूछे भारत यात्रा कर रहे हो, आओ यहाँ तो यहाँ आओ खरबूजा खाओ। भाई पहली बार खरबूजा खा रहे हैं, पहले तरबूजा खाए थे, खरबूजा पहली बार खा रहे हैं। और ये भैया हैं जी सर। भैया आपका शुभ नाम? रजत शर्मा सर। प्रदीप शर्मा? रजत, रजत शर्मा। रजत, थैंक यू सो मच भैया। भैया ने खुद से बुला के और हमें ये खरबूजा दिया है। और इंदिरा भाई भी यहाँ पर है, वेटिंग वेटिंग वेटिंग। अन्ना भाई उस तरबूज से ज्यादा स्वादिष्ट है ये। क्या तरबूज से ज्यादा स्वादिष्ट है? थैंक यू सो मच हमको ये खिलाने के लिए भाई। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है भाई, ये फर्स्ट टाइम खा रहे हैं। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत स्वादिष्ट मीठा है। अच्छा ये जो मीठा है ना, मीठा इसमें थोड़ी सी मिठास, थोड़ी सी भावनाएं वो भाई की हैं जिन्होंने हमें दिया है। कोई कोई चीज़ ऐसी होती है ना जिसको प्यार से कोई दे देना तो उसको खाने का एक अलग सा फीलिंग आ जाता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इन भाई की मिठास है इसमें। थैंक यू सो मच भाई। चलते हैं आगे। कौन कौन सा लेके? सुखना लेक जाना है, वहाँ गोल्ड मैन परफॉर्म करना है। चलते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों हमें फाइनली लिफ्ट मिल चुका है सुखना लेक का, और ये भाई साहब हैं। भैया आपका शुभ नाम क्या है? जगन्नाथ। क्या? जगन्नाथ जी हैं, और इन्होंने हमें लिफ्ट दिया है सुखना लेक तक का। और भाई साहब बहुत अच्छे हैं, हमने बोला कि हम भारत यात्रा कर रहे हैं, लिफ्ट मांग के ट्रेवल कर रहे हैं, तो भाई ने हमें हेल्प किया है। थैंक यू सो मच भैया। जगन्नाथ जी हैं, और आप हैं कहाँ से भैया? गोंडा से। कहाँ से? लखनऊ। लखनऊ? अच्छा लखनऊ से, यूपी लखनऊ। थैंक यू सो मच भैया। जय हिंद। तो दोस्तों फाइनली हम लोग सुखना लेक पहुँच चुके हैं, और इंदिरा भाई अभी रेडी होने जा रहे हैं। आज हमारा परफॉर्म का टाइम है और पब्लिक भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा और मज़ा आएगा आज। आप लोग बने रहिए भाई, रेडी होकर आएंगे फिर मिलते हैं आप लोगों से। और ये भी देख सकते हैं आप लोग, और ये लोग भाई, ये भाई लोग मिले हैं। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। भाई को सब्सक्राइब करो यार, बहुत मेहनत करते हैं। हम खगड़िया, और खगड़िया और हम समस्तीपुर से चाहिए था। सब जितने दर्शक देखबे जा बिहार के सब के वो सपोर्ट करियो इनका, और बाहर के भी आदमी सब सपोर्ट करिए। ठीक है, भाषा जरूर होनी, अपने का भाषा होनी चाहिए भाई। बिल्कुल भाई, समस्तीपुर। यस आई एम फ्रॉम समस्तीपुर। एंड वेयर आर यू फ्रॉम इन बिहार? खगड़िया। सो खगड़िया के ये रहने वाले हैं, तो आप लोग देखिए और इनको ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, खूब सपोर्ट करो। अगर तो खगड़िया, समस्तीपुर, ये बेगूसराय, मधेपुरा कहीं से देख रहे हो वीडियो के, तो पूरा सपोर्ट करो। ठीक है भैया लोग से मिलकर काफी मजा आ गया, और नीचे समस्तीपुर से और यो समस्तीपुर से। थैंक यू सो मच भाई, परफॉर्म करेंगे। इंदिरा भाई रेडी होके आ रहे हैं, फिर आप लोगों से हम मिलते हैं। दोस्तों ये है सुखना लेक, और देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे, और काफ़ी पब्लिक भी है यहाँ पे। और इंदिरा भाई रेडी होने के लिए गए हैं, और फिर हमारा परफॉर्मेंस स्टार्ट होगा, जो भी होगा आप लोगों के सामने होगा। फाइनली इंदिरा भाई रेडी हो चुके हैं परफॉर्म करने के लिए, और हमारा तिरंगा भी लग चुका है, सब कुछ लग चुका है। भाई हाय कर दो, फिर मिलते हैं आपको अभी पूरा परफॉर्म खत्म करने के बाद। तो दोस्तों सुखना लेक से हम लोग निकल चुके हैं, और हम लोगों ने, मतलब इंदिरा भाई ने गोल्ड मैन स्टार्ट किया था, और हम लोगों को बताने वाले थे कि हम लोग ये गोल्ड मैन क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद कुछ स्टोरी क्रिएट हुई, अभी रोशनी कम है, हम आपको बताएंगे बाद में। तो चलते हैं, और अभी हमें जाना है सेक्टर 45, जहाँ पे होटल्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे हैं, तो हम लोगों से बात करेंगे, फिर आपको ये स्टोरी आपको शेयर करेंगे जो भी हमारे साथ हुआ। हमारे साथ आज बहुत, मतलब बुरा हुआ यार, बहुत बुरा लगा हमें। तो वीडियो में बने रहिए, होटल्स में हमें रूम मिले, चाहे कहीं कैंप करेंगे, क्या पता क्या होगा हमारे साथ, जो भी होगा शेयर करेंगे, उसमें रोशनी में आएंगे, फिर आपको ये स्टोरी शेयर करेंगे। तो भाइयों यहाँ पर रोशनी ठीक ठाक है, हमारे साथ हुआ कुछ ऐसा सुखनी लेक पर कि हम लोग करीब आधा घंटा परफॉर्मेंस किए होंगे। क्या हो भैया? तो भाइयों अभी एक ऑटो वाले भाई साहब आए थे, बोल रहे कहाँ जाना, मैंने बोला सेक्टर 45 जाना है, बोल चलो मैं छोड़ देता हूँ। मैंने बोला भैया मेरी कंडीशंस है, हम लोग भारत यात्रा कर रहे हैं, हमारी यात्रा विदाउट मनी है, तो हमारे पास पैसे नहीं है। बोलते हैं भैया नहीं हो सकता है, तो बोले कोई बात नहीं, आप जाओ हम पैदल चलेंगे। फिलहाल चल रहे हैं पैदल, अगर हमें कोई लिफ्ट मिला तो हम बैठेंगे, नहीं तो पैदल चल रहे हैं। हाँ हम लोग स्टोरी बता रहे थे,
पुलिस वाले आए हमें और उन्होंने हमें बोलने लगे कि डोनेशन क्या कर रहा है, डोनेशन ले रहा है, ऑटो ऑटो बंद करो भाई। वो बहुत अजीब ऑकवर्ड लैंग्वेज में बात कर रहे थे वो लोग, काफ़ी बुरा लगा। सुखनी लेक के पास जो पुलिस वाले हैं वो हमारी बातें को सुनने को तैयार ही नहीं थे। हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप सुनो तो पहले मेरी बात। बोलते नहीं सुनेंगे, तुम पहले यहाँ से निकलो, ये काम तुम नहीं कर सकता। भाई ये पहले हम एक और बार कर चुके हैं, हरियाणा में अटल पार्क में कर चुके हैं, उस दिन हम किए थे। और आज इंदिरा भाई रेडी हो चुके थे यार, कितना मेकअप वेकअप लगा के भाई, इतनी मेहनत करके यार, दुख होता है भाई, है ना। हाँ यार बिल्कुल। तो दोस्तों मैंने मेकअप बहुत अच्छा किया था, एकदम अच्छे से तैयार हो गया था, लेकिन पुलिस वालों ने मूड खराब कर दिया यार। खैर तभी भी हमने समझ लो आप 20-25 मिनट या आधा घंटा हमने परफॉर्म किया होगा, और उससे ज़्यादा नहीं कर पाए। खैर कोई बात नहीं, पर थोड़ा बुरा लगा भाई, अभी तक मेरे माइंड में ये चीज़, ये बातें भाई घूम रही है भाई, ऐसा क्यों करते हैं यार, हम क्या बुरा कर रहे थे। एक ये स्ट्रीट आर्ट है ना। हाँ उनको यार दिक्कत थी सिर्फ पैसों से, क्योंकि वो बार बार जो हमारा डोनेशन कलेक्शन बॉक्स है उसकी तरफ नज़र पॉइंट आउट कर रहे थे कि ये क्या है, ये क्या है, पैसे क्यों इकट्ठा कर रहे हो, क्या करोगे। तो विदाउट मनी हम ट्रेवल करने निकले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें पैसों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम खाएँगे क्या, पियेंगे क्या, और हमें लद्दाख ट्रिप के लिए कपड़े भी चाहिए, है ना, उसके लिए हम कर रहे थे यार। हमारे पास कुछ है नहीं, लद्दाख में जाके क्या शर्ट पैंट में थोड़ी ना काम हो जाएगा, जैकेट चाहिए, पैंट चाहिए, हमें विंटर वाली कैप चाहिए, ग्लव्स चाहिए, शूज चाहिए। भाई को अपना रक्सैक चेंज करना यार, बहुत ख़राब हो गया, आपने शायद कभी देखा होगा ब्लॉग में, अगर ध्यान दिया होगा तो, ये सब चेंज करना यार। तो भाई इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे थे, ये एक भाई स्ट्रीट आर्ट है भाई, इसको घर में थोड़ी दिखाएंगे ना भाई यार, बोलते हैं कि यहाँ नहीं कर सकते, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है भाई। स्टैचू रोड पर ही दिखता है भाई। हाँ तो लिविंग स्ट्रीट भाई दिखता है, ये स्ट्रीट आर्ट है, रोड पर किया जाने वाला कला है, स्ट्रीट आर्ट है भाई, ये कहीं भी कर सकते हैं। पर यार क्या सेफ्टी भाई, कोई कोई आर्ट को दिखाने से पता नहीं क्या सेफ्टी पे, मतलब क्या क्या होता है समझ में नहीं आता भाई, क्या इसको नुकसान हो जाते हैं। पर बुरा लगा भाई, कोई बात नहीं, अभी निकल रहे होटल की तलाश में। और गाइस वहीं पर काफ़ी सारे लोग थे, बहुत महंगा महंगा एक्सपेंसिव DSLR लेकर फ़ोटो खींच रहे थे लोगों की, मतलब वो उनका धंधा है, उनका बिजनेस है। काफ़ी सारे स्केच आर्टिस्ट थे, स्केच बना रहे हैं लोग खड़े होकर, स्केच बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही थी, और उनको दिक्कत सिर्फ हमारे से थी, जो कि हम सिर्फ एक दिन के मेहमान थे, वो भी मुझसे 2-3 घंटों के बस। कोई बात नहीं भाई, बुरा लगा फिर भी थोड़ा माइंड फ्रेश करना पड़ेगा, वो यात्रा कर रहे हैं, ज़्यादा टेंशन भाई शरीर के लिए हानिकारक है। तो भाई चलते हैं होटल, फिर मिलते हैं आप लोगों से, देखते हैं कहाँ हमारा क्या व्यवस्था हो पाता है। दोस्तों काफ़ी देर से पैदल चल रहे थे, और चंडीगढ़ से करीब 2 किलोमीटर पहले हमें एक भाई साहब मिले हैं, उन्होंने हमें लिफ्ट दिया है। हम आपको उनसे मिलवाना चाहते हैं और उनकी सोच से आपको रूबरू करवाना चाहते हैं। ये सर का ऑटो है जिन्होंने हमें यहाँ तक छोड़ा है निःशुल्क, और अभी हम आए हैं होटल दीप लॉज। ये है अभी ये जो ऑटो वाले हैं, इनके दोस्त का ये है शायद, आई थिंक। हाँ बात करते हैं, चलते हैं इनसे बात करते हैं। और ये शख्स हैं जिन्होंने हमें वहाँ से लिफ्ट दिया है। सर आप देश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ देश के लिए, अच्छे हैं ये काम। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है। जी जी, तो जितना हो सके उतना आप करो, हम आपके सहयोग के धन्यवाद करते हैं। इंसानियत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंसानियत तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी कोई दर्जा दे नहीं सकता जी। ये चीज़ कह रहे हैं इंसानियत ही एक कर्म है, कर्म करोगे फल मिलेगा, और इंसानियत सबसे बड़ी एक धनवान है जी। जी और मैं क्या करूँ इसके बाद, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों ये है होटल का रिसेप्शन, और ये है मैनेजर साहब। सर आपका शुभ नाम? लोहित सिंह। अच्छा लोहित सिंह जी हैं, और इन्होंने हमें आज का रूम दिया है। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद। दोस्तों हमें रूम्स मिल चुका है और हम लोग भोजन की तलाश में आए थे। ये है अपना जायका बिरयानी ढाबा, और ये दरिया में है, और वो भाई साहब है, उनसे बात करवाते हैं आपको भी हम। तो दोस्तों वो है अपना जायका बिरयानी ढाबा। अभी भाई बोले हैं थोड़ी देर वेट करो, फिर आपको हम बुलाते हैं। उससे पहले हमें एक शख्स मिले, उनसे आपको मिलवाना चाहते हैं। और ये भैया हैं, भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमोद गुप्ता है। अमोद गुप्ता, और आप कहाँ से हैं? बिहार से हैं। बिहार से, यहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हैं ना? हालांकि इनका ये दुकान है गुप्ता गारमेंट्स स्टोर, अभी ये बंद कर चुके हैं। और भैया उधर से आए, और भैया ने ये हमारे लिए लाए दो, हालांकि ये खुद के लिए पिए, तो इनको ख्याल है कि भाई को भी पिलाते हैं। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू सो मच, मिलकर अच्छा लगा आपसे। तो दोस्तों कल भी थे हम, कल दरिया में रुके थे, और आज भी दरिया में ही आ गए हम लोग, क्योंकि
आज परफॉर्म करने वाले थे गोल्ड मैन और आज हमें परफॉर्म नहीं करने दिया गया, परफॉर्म करने नहीं दिया गया। और फिर से हम जाएगा मैं, आपने देखा हमें वहाँ होटल मिला था, होटल दीप पैलेस, होटल दीप लॉज था, उनमें हमें रूम मिल चुका था, पर उनकी जो सोच है ना अंदर से उनकी भड़ास निकल रही थी, पर हमें अच्छा नहीं लगा। फिर भाई हम आ गए इधर और फिर अगेन कल जिस होटल में थे वही होटल भाई आए और भाई साहब फिर से मिले हैं। भाई ये होटल एस पार्क इन जिसमें कल रुके थे आपको पता होगा। और ये फिर से विजय यादव भाई हैं, विजय यादव ना भाई, मनोज यादव भाई जो हमें कल मिले थे। जय हिंद ब्रदर। भाई अच्छा नहीं लग रहा भाई दोबारा इसी होटल में रुके, पर भाई बोल रहे हैं सेवा का मौका दो, बिल्कुल सेवा का मौका दो। आप इधर रहो, आपका होटल है, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना सब कुछ कर रहे हो तो हम एक घूम नहीं सकते आपके लिए। यार इतनी अच्छी सोच, आप देख सकते हो भाई कल हम खुद इस होटल में रुके हैं और आज फिर से भाई बोल रहे हैं सेवा का मौका दो। हालांकि हम लोग गलती से इनके पास आ गए, हमको मतलब नहीं आना था यार, मतलब कि भाई अच्छा ही लगता है दो दो दिन एक ही होटल में रुको अच्छा ही लगता है, पर भाई इतने अच्छे हैं कि बोले कि अरे सेवा का मौका दो, आज तो मतलब आज रहना ही पड़ेगा आपको। हालांकि हमें आपको पता है होटल मिल चुका था, लेकिन उनकी सोच के कारण हम उस होटल में रुके नहीं। भाई वो होटल हमें दे दिए, लेकिन वो बोल रहे थे कि क्या ये सब कर रहा है, ऐसे मत करो यार, ये सब बकवास चीज़ है भाई, ऐसे वैसे भाई अपने परिवार के बारे में सोचो, घर के बारे में सोचो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, तरह तरह के सुझाव दे रहे थे भाई। होटल दे दिया उन्होंने और ये सब सुझाव दे रहे थे, हमें अच्छा ही लगा पूरा। भाई अच्छे शब्द के जो प्रयोग करते हैं ना तो हमें अच्छा लगता है, उनके दिल से पता नहीं अंदर से एक भड़ास निकल रही थी, हमने फ्री में रूम दे दिया इस टाइप के, तो हमें अच्छा ही लगा। यहाँ के मनोज यादव भाई यहाँ के मैनेजर हैं, थैंक यू सो मच मनोज यादव भाई, आपने हमें फिर से अगेन रूम दिया है, चलते हैं रूम दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं यही होटल है, फिर से मनोज यादव भाई ने यही होटल हमें दिया है, रूम दिया है, और आपको फिर से दिखाना चाहते हैं। ये टीवी था, आप याद करें कल देखे होंगे आप। और ये भाई ये बिरयानी है, कल होटल जायका में मैंने भोजन खाया था रात में, मैं वीडियो एंड करना भूल गया था रात में, थका था सो गया। देखो बिरयानी भाई ने दो प्लेट खिलाया हमें और इंदिरा भाई को, और एक भाई एक पॉलीथीन में पैक करके दे दिया भाई। ये देखो इसमें रोटी भी है, इसमें भाई ये चटनी भी है भाई, और पानी है उधर। और मैं आपको बाथरूम दिखाना चाहता हूँ, लाइट जला देते हैं पहले। देखो वही बाथरूम है, वही शॉवर है, सब कुछ वही है भाई। विजय यादव भाई ने अगेन हमें ये रूम दिया है, थैंक यू सो मच उनको, इतना बड़ा दिल है उनके पास, और हमें काफ़ी अच्छा लगा। रात में वीडियो एंड करना भूल गए, अभी हम थोड़ा क्या बोलते बनियान में है तो हम चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तब तक लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।